In this problem, we are given a container जिसमें चार openings हैं, 1, 2, 3, 4. इन चारों से liquid बाहर निकल सकता था, तो उस liquid को बाहर निकलने से रोकने के लिए हम लोगों ने चारों पे एक एक piston लगा दिया, और piston पे हम लोग चारों तरफ से force लगा रहे हैं, F1, F2, F3, F4. आपको दे रखा है इन सारे pistons का area of cross section A है, सबका area A है. आपसे कहा गया कि हमने चारों पिस्टन्स पे जो फोर्स लगा रहे हैं F1, F2, F3, F4, वी हैव इंक्रीज्ड ऑल दीज फोर्सेस बाय सेम अमाउंट F. तो ऐसे में इसके सेंटर पे जो प्रेशर है उसमें इंक्रीज कितना है, बाय हाउ मच विल द प्रेशर इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर. नाउ दिस इज अ मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑन पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर एट ए पॉइंट प्रोपगेट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन साइड अ फ्लूइड. एक फ्लूइड के अंदर अगर आप एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाते हो तो वो हर जगह पूरे के पूरे फ्लूइड के पूरे वॉल्यूम में हर जगह सेम अमाउंट से बढ़ जाता है. तो हम लोगों ने यहां पे फोर्स लगाया F1, इसको बढ़ा दिया हमने फोर्स F से, तो यहां पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया कितना, F/A. तो आपका चेंज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट कितना हो गया, F/A. तो ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स पे आपका प्रेशर सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा. मतलब डेल्टा P1 अगर F/A है तो डेल्टा P2 अपने आप F/A होगा, डेल्टा P3 भी अपने आप ही F/A होगा, डेल्टा P4 भी अपने आप F/A हो जाएगा. और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमें हर तरफ एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे यहाँ पे हमने जैसे हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F, तो अगर हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो हर जगह अपने आप ही हमें एक F फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाने का ऑप्शन नहीं है. जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको आपने हर जगह एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F, ऑप्शन नहीं है. अगर आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो आपको अपने आप लगाना ही पड़ेगा. तो हम लोगों ने एक जगह अगर फोर्स बढ़ाया F से, तो क्योंकि चारों तरफ एरिया बराबर है, चारों तरफ हमें सेम अमाउंट से फोर्स बढ़ाना पड़ेगा F, और प्रेशर हर जगह सेम अमाउंट से बढ़ेगा कितना, F/A. और यही प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा सेंटर पे, डेल्टा P सेंटर कितना होगा, ये भी हो जाएगा F/A ही होगा, ये 4F/A नहीं होगा. आप सोच सकते हो कि यहां की वजह से F/A, 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 ऐसा कुछ नहीं. ओवरऑल इंक्रीज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट होगा कितना, F/A. और इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अगर आपने एक जगह पॉइंट ए पे अगर आपने ये फर्स्ट ओपनिंग पे अगर आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया F, तो चारों तरफ बाकी की तीनों जगह पे ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा F, और सेंटर पे भी प्रेशर में इंक्रीज कितना आएगा, F/A. सो आपका आंसर कितना है, F/A.